सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर। भाई रैली भर्ती का आपका जो रजिस्ट्रेशन होना था वो होना स्टार्ट हो चुका है। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे बताने वाला हूँ। फुल प्रिंट आउट तक आपको बता दूंगा क्या क्या स्टेप्स क्या क्या फिल करना होता है एंड कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से फिल कर पाओगे। कोई भी दिक्कत है डेफिनेटली कॉमेंट में कॉमेंट करके बताना। बाकी चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे सीधा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं होगा तो अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऑनलाइन एजुकेशन नाम है, वहाँ पे आप आओ इसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप सीधा अप्लाई कर सकते हो। चलो मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ और कैसे आपको करना है सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। सो ऐसे जैसे ही खुल जाएगा मे बी, और आप सभी से कहता हूँ भाई फॉर्म अप्लाई कर देना, फ़ोन से ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं हो रहा है फ़ोन से तो कैफे से जाके करा लो, बट सभी कर पाओगे, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। हाँ जल्दी से जल्दी कर लेना क्योंकि ये वेबसाइट है जो मे बी ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि तीन स्टेट का चलने वाला है, आपको पता होगा, हरियाणा का, बिहार का और राजस्थान का। धीरे धीरे ओपन हो रहा है तो ओपन होने जाने देते हैं। अभी देखो ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आईएफ रिक्रूटमेंट रैली और ग्रुप एक्स जोधपुर के लिए है 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर, और ग्रुप एक्स अंबाला के लिए होने वाला है 9 से 20 अक्टूबर, और आपका यहाँ पे ग्रुप एक्स पटना जो बिहार पे है 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में। सबसे पहले यहाँ पे स्टेट आपको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे रैली वेन्यू सिलेक्ट करना होगा। तो चलो मैं सिलेक्ट स्टेट पर जाता हूँ और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कौन सा, हरियाणा, बिहार और राजस्थान, तीनों शो कर रहा है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ बिहार। ठीक है, बिहार मैंने जैसे सिलेक्ट किया मैंने डन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे वेन्यू पे आ जाना है, कौन सा कहाँ पे बिहार पे, तो पटना पे ही केवल होने वाला है तो पटना, और देन डन कर देना है। प्रोसीड पे आ रहा होगा तो प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना। जैसे हम प्रोसीड पे करेंगे देन कुछ एस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब से तो फुल नेम डालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे आपको फुल नेम डाल देना है अपना, जैसे जो भी नाम है मैं बोलता हूँ, जैसे मेरा नाम है आनंद सिंह तो मैंने अपने आनंद सिंह मैंने डाल दिया नाम। उसके बाद अपने फादर का नाम डालना है, जो आपके 10th की मार्कशीट में दिया हुआ है वही डालना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, अपना ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी डालना, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा कि आप शॉर्टलिस्टेड हुए हो कि नहीं। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ईमेल आईडी डाल देना, जैसे कि मैं डालता हूँ, बोलता हूँ ऑनलाइन एजुकेशन, जो अपना ईमेल आईडी है ऑनलाइन एजुकेशन 9260@gmail.com, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको अपनी फिलअप कर देनी, जैसे मैं डालता हूँ 20, कुछ भी डाल देता हूँ कुछ भी, यहाँ पे दो तीन, लो मैंने डन कर दिया, सेट हो गया, अपने डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया। ठीक है, ये मेरा नहीं है कि 2003 थोड़ा। मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो अभी कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप फोन चला रहे हो, जो आपका एक्टिव रहता है वो डाल देना। आधार नंबर आपको अपना डाल देना है, ज़रूरी नहीं है अगर है तो डाल देना, और आपको फिर लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हाइट इन सेंटीमीटर, आपका हाइट कितना है, 1.52 सेंटीमीटर से आपका हाइट कम नहीं होना। अगर 1.52 से है कम है तो आप फिर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, कर दोगे लेकिन आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। नेशनलिटी पे आपको इंडियन आके सेलेक्ट कर लेना, इंडियन आने के बाद डन कर देना। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस बिल्कुल अनमैरिड सेलेक्ट है, मेल हो आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, IMR डोमेसिल ऑफ स्टेट, आप कहाँ से स्टेट, तो स्टेट आप बिहार से हो तो बिहार यहाँ पर सेलेक्ट कर देना, डन कर देना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे आके आपको औरैया और जहाँ पे जो जो से आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करना, वैशाली, सापुल, सीवान, सीतमपुरी, सीहोर, ठीक है, और सरन, समस्तीपुर, सहरसा, रोहतास, ये सारे के सारे यहाँ पे आके कोई सा भी डन कर देना। मैंने कर दिया अररिया। आगे एजुकेशनल क्वालिटी, अपलोड 10th पासिंग सर्टिफिकेट, आपको चूज फाइल पे जाना है। अब भाई देखो फाइल कैसे बनाओगे, पीडीएफ आपको बनाना है तो आपको एडोब एडोब करके, एडोब एक्रोबैट करके ऐप मिल जाएगा। नहीं पता तो टेलीग्राम पे आना, मैं वहाँ पे इसका लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप सीधा पीडीएफ बना लेना। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे अपलोड 10th पासिंग सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फाइल साइज शुड बी 30 KB to 100 KB विथ JPEG, तो ये आप सीधा जस्ट गूगल पे जाना और कर लेना, 30 KB to 100 KB के बीच में आपका पहली बार में हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पासिंग सर्टिफिकेट आपका अपलोड हो जाएगा। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे सेलेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद यहाँ पे आपका 12th का बनना है जो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिप्लोमा वगैरह आप हटा दीजिए, क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको डालनी है। 12th इंटरमीडिएट डिप्लोमा, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आपको डालना है केवल इंटरमीडिएट, क्या डाल देना है, इंटरमीडिएट डाल देना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एवरेज एग्रीगेट परसेंट, आपके परसेंट कितने हैं, इंटर सेकेंड स्कोर परसेंट, मतलब कि आपके जितने भी परसेंट है, मैं बोलता हूँ जैसे मेरे 86% है तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा 86.5 है तो मैं डाल दूंगा 86%। ठीक है, 86 यहाँ पे डाल दूंगा। इंग्लिश पासिंग परसेंटेज इन 12th डिप्लोमा, तो डाल देना ये भी, जितने आपके डिप्लोमा में अगर हैं तो डाल देना, नहीं तो वो आपका 12th वाले ही परसेंटेज यहाँ पे नंबर डाल देना है। आगे बढ़ते हैं अपलोड सेक्शन, यहाँ पे आपको क्या अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, कौन सी, 12th की, तो उसका भी 30 KB to 100 KB के बीच में साइज होना चाहिए।
और गाइस मैं भी थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम, कहीं कहीं पे साउंड कट जा रहा होगा तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा साउंड पे इशू आ ही रहा है। पता नहीं क्या हुआ है, मुझे नया माइक आई थिंक मैनेज करना पड़ेगा। सो मैं ज़रूर करूँगा, और वीडियो को शेयर कर देना भाई। मैं सबसे पहले आई थिंक कर रहा हूँ, और मैं ट्राई करूँ कि आप लोगों के लिए पहले से पहले इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। यहाँ पे 12th का आपको मार्कशीट अपलोड करो, कुछ नहीं, चूज़ फाइल पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको सीधा फाइल सेक्शन में ले जाएगा। देखो ये फाइल, और आपने PDF बना रखी होगी तो जस्ट PDF आपको अपलोड कर देनी है। गैलरी पर भी जाकर फोटो डायरेक्ट अपलोड कर देना, बट वो 30 KB से 100 KB। बता दूंगा, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अपलोड रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पे ये नहीं बोला आपसे कि वो आपको स्लेट वाली फोटो चाहिए, आपको रिसेंट की फोटो चाहिए। रिसेंट मतलब कुछ नहीं, 6 मंथ पुरानी, 1 ईयर पुरानी आप डाल देना। 30 KB to 100 KB यहाँ पे जैसे चूज फाइल पे क्लिक करोगे आपको सीधा गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, देखो गैलरी पे क्लिक करोगे और सीधा जाके फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही करोगे इंटर कैप्चर कोड, आपको ये कैप्चर कोड यहाँ पे दिख रहा होगा DWYAN, इस कैप्चर कोड को यहाँ पे इंटर कैप्चर में डाल देना है। जैसे ही डालोगे तो रिफ्रेश, आपको अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो रिफ्रेश कर देना है। उसके बाद आई हैव फिल्ड, पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के बाद ये इधर डन कर देना, इधर यहाँ पे डन डन, और सबमिट सेक्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे ही सबमिट सेक्शन पे क्लिक करोगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपको जस्ट अगला जो इंटरफेस आएगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। बेसिकली मैं बताऊँ ना, मैं बिहार से हूँ, ना मैं उड़ीसा से हूँ, ना मैं इधर हरियाणा से हूँ, ना राजस्थान से, मैं UP से हूँ, इस वजह से मैंने फॉर्म नहीं फिल किया। बट इसके जैसे ही यहाँ पे सबमिट सेक्शन पे क्लिक करोगे आपका सबमिट फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको और कुछ भी नहीं करना, आपका सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और नंबर शो हो जाएगा। मींस रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा, वही आपके लिए इनअप है, आपको उसी को रख देना। और आपके मेल पे जहाँ पे ये मेल वगैरह आप डालोगे, इंटर ईमेल आईडी, जैसे ही ये मेल आईडी डालोगे यहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हाँ कैसे क्या किया गया है। बाकी आप सभी का एग्ज़ाम आ चुका है क्लोज, तो आप सभी पढ़ाई करते रहो। फॉर्म फिलअप आई थिंक ऐसे ही करना, कुछ दिक्कत नहीं है भैया। फुल नेम, फादर्स नेम, उसके बाद ईमेल आईडी अपनी डाल देनी है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है आपको, और उसके बाद इंटर कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर जरूरी नहीं है कि आपका होना चाहिए, है तो डाल देना। और उसके बाद हाइट 10 सेंटीमीटर डाल देना, नेशनलिटी इंडियन है ये, जेंडर आप मेल हो, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड हो। आगे बढ़ते हैं, आई एम डोमिसाइल ऑफ स्टेट, तो कहाँ के आप बिलोंग करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो वो आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद देन नेक्स्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स। और देखो बहुत सारे वीडियोस मैंने खुद अपने चैनल पे बनाए हैं, ठीक है, तो आप उन वीडियोस को देखो। फिजिक्स के लिए और GD के लिए मैंने वीडियोस आपको बनाने प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो जो भी दिक्कत आए डेफिनेटली कमेंट पे कमेंट करो, बस वीडियो थोड़ा शेयर कर दिया करो, एंड डेफिनेटली वीडियो पसंद आया होगा आपको। एंड जो भी दिक्कत आ रही हो मुझे बताओ कॉमेंट में। हाँ, परीक्षा ऐप पर टेस्ट लगाओ, परीक्षा ऐप पर है क्या, वहाँ पर आपके एग्जाम के रिलेवेंट कंटेंट आपको मिल जाएगा। एक दो लोग किसी कैंडिडेट किसी एक टेस्ट को लगा रहे हैं, तो उसमें अपना स्कोर देखो। और इस तरह से जिसका भी फॉर्म ना फिल हो रहा हो ना, तो कमेंट में बताना, मैं हो सकेगा तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका भी करने में मदद कर पाऊँ। कुछ भी दिक्कत आ रहा होगा, फोटो नहीं भाई क्रॉप कर पा रहे हो या कुछ, यूट्यूब का सहारा लेना। किसका सहारा लेना, यूट्यूब फुल हेल्प करता है। सो यही था सारी की सारी चीज़ें जो मुझे लगा कि आप सभी को बतानी चाहिए। बाकी वीडियो जैसा भी लगाओ डेफिनेटली कमेंट में कमेंट करके बताना। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट। वीडियो शेयर कर सकना तो कर देना, नहीं मर्जी तो कोई बात नहीं। जय हिंद एवरीवन, जय भारत।